कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए पहनाए गए माला को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिवेशन में शामिल होने आए कांग्रेसी नेताओं का एक माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। यह माला दिखने में सोने की तरह लग रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। भाजपा के आरोपों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जवाब दिया है। सीएम बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की दिक्कत ही यही है कि वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न ही उसकी परंपराओं को, और मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। कांग्रेस ने कहा, यह छत्तीसगढ़ के स्वर्ण भूमि घास से बनी विशेष माला है, भाजपा इसे लेकर अफवाह फैला रही है। तो इसी खबर में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी रायपुर से दिलीप साहू लाइव जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, अब सोने की माला पर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी अफवाह फैला रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के मंत्रियों को जो माला पहनाई गई है वो सोने की माला थी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसका जवाब भी दिया है। दिलीप जी, शिवांगी बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, तो जितने बड़े अतिथि आए, कांग्रेस के जितने अतिथि आए, उन्हें एक माला पहनाई गई थी जो सोने सा दिख रहा था। हालांकि ये जो माला है वो हार, ये जो हार है उसको बीरन कहते हैं। बीरन एक्चुअल में ये पाया जाता है कवर्धा क्षेत्र के जो आदिवासी, बैगा आदिवासी लोग हैं, ये इसको बनाते हैं। और ये सूताखर नाम की जो घास है उसकी जो मुआ है और फूल की डंडी है उसको मिलाकर बनाई जाती है। और कुल मिलाकर इसी तरह की माला जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी थोड़ी देर ही बताया, एयरपोर्ट पर जब इनकी बाइट हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कवर्धा में पाई जाती है। और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उन्हें सलाह दिया था कि इस माला को कांग्रेस जो हमारे ये है इनका स्वागत के लिए इस माला का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कवर्धा से स्पेशली उस माला को बुलवाया था, उस तरह के माला बनवाकर। और उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस बीजेपी की एक आदत रही है छोटी छोटी बातों को अफवाह फैलाने की, उसी की कड़ी है। और वो नहीं समझती छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, उन्हें हर चीज में सोना दिखाई देता है। उन्होंने तंज भी कसा है कि जो ये अडानी को चाहने वाले लोग हैं इनको हर तरफ सोना सोना ही दिखाई देंगे, इस तरह का। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी, बताया भी कि जिस तरह से इन चीज़ों को उपयोग किया गया है, जो माला पहनाई गई है वो काफ़ी अमूल्य है और वो सोने से भी महंगी मान सकते हैं, क्योंकि ये परंपरागत चीज़ों से बनी है, लोगों की मेहनत का नतीजा है, मूल रूप से आदिवासी, बैगा आदिवासी इन्हें बनाते हैं। तो कुल मिलाकर संस्कृति की समझ नहीं होने की वजह से इस तरह की जो बातें हैं या अफवाह बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही है, इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाए हैं। हालांकि भाजपा की ओर से कुछ नेताओं से हमने चर्चा की थी इसको लेकर, तो उन्होंने इनकार भी किया कि बहुत सारे नेताओं ने, लेकिन जिस तरह से भाजपा की ओर से जो ट्वीट किया गया था, एक ट्वीट में ये बातें कही गई थी और इस हार का जिक्र करते हुए फोटो डालकर ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि देखिए कि कांग्रेस किस तरह से खर्चे कर रही है, किस तरह से खर्चों को बढ़ावा दे रही है और यहाँ की धन संपदाओं को लुटा रही है, कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं उन्हें सोने की माला पहनाई जा रही, इस तरह के ट्वीट किया गया था। बाद में शायद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर जो सियासत गरमाई है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके बातें कही और साथ ही साथ अभी मीडिया के सामने बयान भी दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये माला कैसी थी, कहाँ से आई थी और किस तरह से स्वागत के लिए इसको पहनाई गई थी। जी शिवांगी, दिलीप क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बात करना कि जो माला पहनाई जा रही है वो सोने की माला थी, आखिरकार इस तरह की अफवाह क्यों फैलाई गई? दिलीप जी शिवांगी, जिस तरह से बातें हो रही है लगातार, क्योंकि अधिवेशन में अलग अलग चीज़ें छन कर आ रही थी, एक जब प्रियंका गांधी आई तो कांग्रेस की ओर से यहाँ फूलों, सड़क को फूलों से भर दिया गया था, फूल काफ़ी लंबी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है उसको बिछाई गई थी, उसको लेकर भी कहा गया था कि किस तरह से फूलों का अपमान हो रहा, इस तरह से बीजेपी ने तंज कसा था, उन्होंने कहा था। और कांग्रेस के अधिवेशन में जितनी बातें छन के आ रही थी उनका जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से अलग अलग तरीके से दिया जा रहा था, चाहे दिलीप मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दिलीप मैं आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले अमित जी का रुख करूंगी। अमित जी, कांग्रेस की अतिथियों को जो अधिवेशन में माला पहनाई गई उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो माला सोने की थी। अमित जी,
शिवांगी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो लगातार अगर आप देखेंगे कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश भी करती है और झूठ और फरेब की राजनीति पे ज्यादा विश्वास करती है। दिक्कत यह है शिवांगी जी कि भाजपा की दिक्कत यही है कि ये छत्तीसगढ़ की रातों छत्तीसगढ़ की इनको समझ है ना, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, और बीजेपी के नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव है और झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। और मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं क्योंकि ये बातें पूरी तरीके से झूठ है और इनकी अफवाह गैंग और आईटी सेल के जो चिंटू पिंटू गैंग है उन्होंने ये फैलाई है, तो भाजपा के नेताओं को तत्काल पहले उस अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देखेंगे कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा से विकास रहा है और कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन बीजेपी हमेशा जोड़ना तोड़ना और मरोड़ने का जो काम करते ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जनता ने इनको सबक सिखाया, 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा, और मुझे लगता है बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से अटकी भटकी और लटकी बीजेपी हो गई है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने इनको दरकिनार कर दिया है। और पूरी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो लगातार माफिया राज, ठेकेदार, दलाल प्रथा जो जिस प्रकार से हुई, मैं आपके माध्यम से बड़े पूछना चाहता हूं कि हमेशा जो ये कहते थे कि बीजेपी के समय में जिनके 15 साल पूर्व जिनके पास साइकिल में हवा भराने के लिए पैसा नहीं हो करता था, जो गरीबों की बात सिर्फ करते थे और करते करते अचानक माला माल हो गए, ऐसा कौन सा पारस पत्थर उन्हें मिल गया? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को तत्काल हमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जो जिस प्रकार का झूठ फैलाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला प्रश्न है। केदार जी का रुख कर लेते हैं। केदार जी, आपकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं कि जो माला उनको पहनाई गई, कांग्रेस के अतिथियों को जो अधिवेशन में माला पहनाई गई वो सोने की माला थी, आखिर इसके पीछे की क्या वजह बताई जाए? इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? केदार जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को और पूरी तरह से माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ वासियों को कि 4.5 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार और अपराधगढ़ बना दिया, चाकूगढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। केदार जी, मुद्दा माला का है, अभी जो हमारी बात हो रही है केदार जी, मैं आपको माले की ही बात बता रहा हूँ। 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उसने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को देखा, रोड, रास्ते, नाली, पुल बनाए। इनकी सरकार 4 साल में आता है, ईडी और आईटी की रेड पड़ती है, वहाँ सोना बरामद होता है अधिकारियों के यहाँ से, और सिर्फ सोना नहीं हीरे भी बरामद होते हैं, और सिर्फ हीरे नहीं करोड़ों रुपया बरामद होता है, और ऐसे लोग जेल की हवा खा रहे हैं या आईडी आईटी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आईडी और ईडी जो है वो केंद्र सरकार की संस्था है पर वो स्वतंत्र संस्था है, उसकी जांच स्वतंत्र होती है। परंतु क्या जो न्यायाधीश 5-5 बार 4-4 बार इनकी बेल रिजेक्ट कर दिए, जो देख रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं, हाँ सोना मिला है, हाँ हीरा मिला है, हाँ रुपए मिले हैं, और वो छत्तीसगढ़ के विकास का पैसा है जो इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, तो अब कौन मांगेगा? अमित भाई तय करेंगे। माफी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगनी चाहिए जिन्होंने विकास को शुद्ध कर दिया, जिन्होंने अपराध बना दिया। केदार जी, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया गया, केदार जी जो आरोप लगाया गया कि जो माला पहनाई गई वो सोने की माला थी, इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? आखिर इस तरह की बात क्यों की गई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इसकी सफाई दी है। केदार जी, अधिकारियों के यहाँ से सोना बरामद हो रहा है, हीरा बरामद हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्रतीकात्मक रूप से जितना हीरा और सोने और पैसा है ये सारा 85वें अधिवेशन में खर्च हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट जी, इनके झूठ का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है, इनके पास जवाब सवाल का जवाब नहीं है, ना तत्काल माफी मांगनी चाहिए। चलिए केदार जी, समय का अभाव है। अभय जी, केदार जी, आप दोनों का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।